अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको मेरे लेटेस्ट और न्यू वीडियोस देखने हैं तो प्रेस बेल आइकन। वीवो V11 को अगले महीने भारत में लॉन्च किया जाएगा। दरअसल कंपनी ने मेल किया है, इसमें लिखा है कि एक्सपीरियंस द 11 ऑन द 6th ऑफ सितंबर 2018। हालांकि कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि 6 सितंबर को भी 11 को ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस इवेंट में नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा सकता है। माना जा रहा है कि वीवो V11 में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। रिपोर्ट की माने तो इसमें 6.41 इंच FHD जोड़ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 19:59 हो सकता है। डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 सोक है। इसमें वी शेप नॉच दिया जाएगा। हैंडसेट को 6GB रैम में दिया गया और इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ा सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन के रियर में दो कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा 12 MP और दूसरा 5 MP का है। वही सेल्फी और वीडियो के लिए फ्रंट में 25 MP का कैमरा दिया गया है। इससे पहले कंपनी ने वीवो नेक्स को लॉन्च किया था। इसमें 6.59 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यह फोन एंड्रॉइड 8.1 पर बेस फनाटच OS 4.0 पर चलता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर है। फोटोग्राफी के लिए फोन के फ्रंट में 8 MP का कैमरा है और रियर में 12 MP का कैमरा है, जिसका अपर्चर f/1.8 है और 5 MP का कैमरा दिया है जो f/2.4 अपर्चर वाला है। वीवो NEX की भारत में कीमत 44,990 रुपये रखी गई है और इसमें 8GB रैम मिलेगी। फोन में 128GB इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 4G LTE ड्यूल पैन वाईफाई ब्लूटूथ 5.0 USB 2.0 पोर्ट और OTG सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट में 4000 mAh बैटरी है। थैंक यू।